हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड मस्ती ब्लॉग। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं कि नहीं? और बताइए आप सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? तो गाइस, क्या आप भी अपनी हर रोज़ की हरी सब्जी मीट मछली से परेशान हो गए हैं, कुछ नए टेस्ट चाहते हैं? तो आइए आज मैं बनाती हूँ नए टेस्ट के साथ बिल्कुल ही मस्त और मज़ेदार पापड़ की सब्जी। आप देख सकते हैं मैंने ये पापड़ लिया है, इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी। और इतनी सारी आइटम है जो बिल्कुल घर की है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको इजीली घर पे सब कुछ अवेलेबल है, आप घर की ही चीज़ों से आराम से बना सकते हैं पापड़ की बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सब्जी। क्योंकि आप सभी हर रोज़ हरी सब्जी खा कर उग जाते हैं, या फिर मीट खा के मछली खा के हम लोग उग जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ नया टेस्ट मिले। तो आज हम बनाएंगे नए टेस्ट के साथ। तो आप सब मेरी पूरी वीडियो को देखिए, और अच्छी लगे तो अपने फैमिली में अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए मैं रेसिपी को पूरी करती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पहले पापड़ को हम इस तरीके से तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीसेज में। उसके बाद इसको हम तवा लेंगे जो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको हम अच्छे से साफ कर देंगे। इस पर ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना है, और हम सारे पापड़ को बस हल्की हल्की सेक लेंगे, फ्लेम को स्लो रखेंगे और सारे पापड़ को सेक लेंगे। उलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है हल्का, क्योंकि इसे हमें छानना नहीं है और ना ही कच्चा रखना है, तो हम इसे हल्का हल्का सेक लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी साफ कपड़े की मदद से हल्का हल्का उलटते पलटते हुए, देखिए इस तरीके का ही सेकना है, इसको ज़्यादा नहीं सेकना है। बस ऐसे ही एक तरफ से सीख चुकी है हमारी, दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही इसे सीख लेंगे। अब देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये सीख चुका है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं मैंने सारे को सेक के रेडी कर लिया है, तो बिल्कुल इस तरीके का हल्का हल्का सेक लेना है। अब हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ, इसका ग्रेवी किस तरीके से तैयार कर। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए हम लिए हैं थोड़ा सा दही, जैसे कि मेरा छोटा सा प्याली से एक प्याली है, आप अपने क्वान्टिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। इस दही में ही हमको मिक्स करना है थोड़ी सी हल्दी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा, थोड़ी सी मरीच पाउडर हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। उसके बाद इसको हम अच्छे से किसी भी चीज़ की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारी ग्रेवी और ये जो भी हमारी दही में गांठ है वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मेरा जो लहसुन है, अदरक है, इसको हम कब डालेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल अब हम आगे लगाते हैं तड़का, तड़के में क्या यूज करेंगे वो भी बता रही हूँ। तड़के के लिए मैंने सरसों ऑयल लिया, आप अपना हिसाब से जो भी आप ऑयल पसंद करते हैं, जो भी आप खाते होंगे उसको ले लीजिएगा। तो तेल हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे एक तेज पत्ता, एक टी स्पून जीरा, साबुत जीरा और दो हरी मिर्च, जिसको मैंने बीच से चीरा लगा लिया है। दो मिनट इसे हम कवर कर देंगे, दो मिनट के लिए कवर कर दे रहे हैं, फिर हमारी जैसे ही लाल हो। तो दोस्तों जीरा हमारी बहुत अच्छी से लाल हो चुकी है, देख सकते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज। तो प्याज मैंने बारीक कट की है, जो आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक है ये, इस तरीके के मैंने छोटे छोटे पीसेस लिए हैं। तो मैंने दो बड़ी प्याज ली थी, जिसको तड़के के बाद मैं डाल दूँगी। और हल्का गोल्डन ब्राउन इसको करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है ब्राउन हो चुका है। तो इस कंडीशन में हम फ्लेम को कर देंगे बंद, फ्लेम को जो है हम बंद कर देंगे और दो मिनट वेट करेंगे, जिससे कि हमारी प्याज और तेल जो है वो अच्छी से थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। उसके बाद हम डालेंगे जो दही का बैटर तैयार किया था, उसको दही और मसाले एक में मिक्स कर दिया, देख सकते हैं। इस तरीके का जो है आप बना के डालिएगा, जिसमें बिल्कुल ही गुठलियाँ और गांठ नहीं होगी, तो सब्जी बहुत प्यारी होगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक प्याज हमारी जो है वो ठंडी हो जाएगी हल्की, बस नॉर्मल सी ठंडी करनी है, ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है। और गाइस इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी लिया हुआ है, तो ये कब डालना है वो भी मैं बताऊंगी। मैंने नमक का अभी तक यूज़ नहीं किया है, नमक कब डालना है वो भी मैं बताऊँगी। उसके बाद टमाटर, टमाटर मैंने बिल्कुल ही यूज़ नहीं किया है, फिर भी आप देखिएगा सब्जी का कलर कितना बेहतरीन आएगा, और टेस्ट तो पूछिए ही मत। ये तो आपको तभी पता चलेगी जब आप खुद बनाइएगा, तो आप सब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारी होती है ये पापड़ की सब्जी। तो दोस्तों दो मिनट हो चुके हैं, प्याज हमारी बहुत अच्छी ठंडी हो गई है। इस कंडीशन में हम डाल देंगे जो बेटर अपना तैयार किए थे दही वाला, वो
डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भी हमारी प्याली में लगी है उसको हम पानी से धो लेंगे हल्का, और हल्की सी पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बस उतना ही पानी जिससे कि ये प्याला हमारा अच्छे से साफ़ हो जाए, जो भी लगा हुआ है बस उतना ही पानी का यूज करेंगे। तो इसको हम पानी हल्का सा डाल दिए हैं, अब जो प्याली था उसको धो के उसके बाद इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। जब अच्छे से 5 मिनट हमारी फ्राई हो जाएगी उसके बाद हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं हमारे फ्राई होते हुए, और हमारी मसाले जो है आधी फ्राई हो चुकी है। तो इसके बाद हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको हम तब तक फ्राई करते रहेंगे, तब तक मसाले को पकाते रहेंगे जब तक कि हमारे मसाले में तेल ऊपर ना आ जाए। जैसे ही पानी हमारी सूखेगी तो बस हल्की हल्की पानी डालनी है और अच्छे से फ्राई करनी है। जब अच्छे से मसाले के ऊपर से तेल तैरने लगेंगी हमारे, जो भी हमने तेल डाला हुआ है वो बाहर आ जाएंगी, तो फिर हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं, ये मैंने हर बार बताया हुआ है। तो बातों ही बातों में 2 मिनट तो हमारी लहसुन और अदरक फ्राई हो चुकी है। इस कंडीशन में हम डाल लेंगे नमक, जो मैंने नमक अब तक नहीं डाला था। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना कि आपकी पापड़ होगी, जितना आप सब्जी बना रहे होंगे उस हिसाब से मैंने अपना नमक डाल लिया है। अब हम इसको अच्छे से तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें तेल ऊपर नहीं आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं, कितना बेहतरीन कलर आया हुआ है, और तेल जो हमने डाला था वो सब फ्राई होकर बाहर आ चुकी है। तो हम इस कंडीशन में पहले 2 मिनट ऐसे ही लगातार चलाते हुए इसको ढकेंगे नहीं, खुला करके अच्छे से एक बार और मसाले को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे जो बताऊंगी मैं आपको। तो दोस्तों आप सब तो एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होती है। जब भी आप लोगों को सब्जी मीट मछली खा के मन उग जाए तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है। मेरी वीडियो आपको लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी, और अपने दोस्तों में अपने परिवार में शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस टेस्ट को एक बार देखें कि कैसा लग रहा है, और एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो हमारी मसाले जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी जो है आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि आपको कितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से अपना पानी ले लीजिएगा, ज़्यादा पतली नहीं रखना है क्योंकि ज़्यादा जो पतली होगी तो अच्छी नहीं लगेगी हमारी सब्जी। तो हम इस कंडीशन में इसको रख लेंगे, मैंने ये पानी ले लिया और डाल दिया। अब इसको एक उबाल आने तक इसको हम ढक देंगे। अभी हमें इसमें पापड़ नहीं डालने हैं, हमने सारा कुछ डाल के रेडी कर लिया है, अब इसको ढक देते हैं। जैसे ही एक उबाल आ जाएगी तो फिर मैं बताती हूँ। तो दोस्तों चलिए अब चेक कर लेते हैं, देखिए एक उबाल आ चुका है, कितना बेहतरीन कितना प्यारा कलर आया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम डाल देंगे पापड़ को, फ्लेम को हम सिम कर लेंगे और एक एक पापड़ ऐसे हम डाल दी जाएंगे। एक एक चम्मच ले लीजिएगा, जो भी स्पून आप इसमें यूज कर रहे हैं उसकी मदद से आप धीरे धीरे इसे हल्का नीचे कर दीजिएगा, और हरी हरी धनिया के साथ इसे गार्निश कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन ये लग रही है, देखिए आप बहुत प्यारा बनता है ये सब्जी, इसका टेस्ट तो पूछिए ही मत कितना बेहतरीन आता है। तो आप सब एक बार इसे ट्राई करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। अब हम फ्लेम को रखेंगे मीडियम फ्लेम पर, हम इसे एक बार उबल जाने देंगे, हल्की सी पक जाएगी, जैसे कि 2 से 4 मिनट में आराम से ये पक जाएगी, उसके बाद हम आपको आगे दिखाएंगे। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं, देखिए ये हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और पापड़ भी हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। तो अब इसको हम बंद कर देंगे फ्लेम और इसको अब सर्व करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, बस हल्का सा आराम से इसको मिक्स कर लीजिएगा। लो हो गया हमारा रेडी पापड़ की सब्जी। तो मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है, देखिए कितना प्यारा कलर है, कितना बेहतरीन तरीके से ये तैयार हुआ है। तो आइए इसे हम सर्व कर लेते हैं, देखिए बहुत ही बेहतरीन ये सब्जी तैयार होती है। तो आप सब इसे ट्राई करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आप सब एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही प्यारा है ये। ये देखिए ये गल भी गया है, देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो गया है हमारा पापड़ का सब्जी। तो अब इसे हम करेंगे रोटी के पराठे पूड़ी, आपको जिस चीज़ से अच्छी लगे उस चीज़ से आप सर्व कर सकते हैं।
तो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और ये पापड़ की रेसिपी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो गाइस मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ, नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा लोग, और मेरी वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। आगे भी सभी के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ। और अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा।